my right hand became trapped by this rock as it slammed into a new spot between these very narrow walls. Yeah, I was definitely going to die there via one or the other kind of mechanisms, either infection or dehydration or starvation. I've tried everything there is to try, including trying to cut my arm off to get myself free. जिस इंसान को आप इस वीडियो में देख रहे हो उसका नाम है एरन रॉल्स्टन और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और वो इसलिए क्योंकि खुद को जिंदा रखने के लिए इस इंसान ने अपना हाथ खुद काट दिया था। कैसे, कहां और कब, आइए सब जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय और आज मैं अपने चैनल सात्विक कॉन्शियसनेस पर आपके लिए एक और रियल सर्वाइवल स्टोरी लेकर आया हूं एरन रॉल्स्टन के बारे में। एरन का जन्म 27 अक्टूबर 1975 को ओहायो के मेरिन में हुआ था। जब वे 12 साल के थे तब वे और उनकी फैमिली वहां से डेनवर शिफ्ट हो गए, जहां उन्होंने अपनी आगे की स्टडीज कंप्लीट की। बाद में उन्होंने कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में एनरोल किया और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फ्रेंच और पियानो की स्टडीज की। इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाने के लिए उन्होंने साउथ वेस्ट में शिफ्ट कर लिया, लेकिन 5 साल में उन्हें ऐसा लगने लगा कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उनका कोई खास इंटरेस्ट नहीं है और उन्होंने हाइकिंग को अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने के लिए अपनी जॉब छोड़ दी और नॉर्थ अमेरिका के सबसे ऊंचे पहाड़ डेनली पर हाइकिंग करने का फैसला किया, जिसकी हाइट सी लेवल से 20,310 फीट है। अब दिन था 26 अप्रैल 2003 का, जब एरन ब्लू जॉन कैनियन में अकेले हाइकिंग करने का फैसला लेते हैं, जो उताह के ईस्टर्न वेन काउंटी में लोकेटेड है। जब एरन स्लॉट कैनियन में नीचे की तरफ जा रहे थे तो एक छोटे से पत्थर पर सपोर्ट लेते हुए उसके फिसलने की वजह से वे घाटी में काफ़ी गहराई तक गिर जाते हैं। सबसे पहले पत्थर एरन के बाएं हाथ से टकराता है और फिर उनके सीधे हाथ को घाटी से सटाकर कुचल देता है। एरन तब ऐसी सिचुएशन में फंस चुके थे जहां वे अपना हाथ उस पत्थर से बिल्कुल भी खींच नहीं पा रहे थे। अभी उनके आसपास कोई नहीं था जो उन्हें सिचुएशन से बाहर निकालने में उनकी हेल्प कर सके। यहाँ और ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि एरन ने अपने इस प्लान के बारे में किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया था और उसके पास किसी को अपनी हेल्प के लिए बुलाने का कोई तरीका भी नहीं था। इन अ नटशेल, प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। अब एरन के पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था कि वे किसी के वहाँ आने का इंतज़ार करें जो उन्हें वहाँ से रेस्क्यू कर सके। अब वे 5 दिनों तक वहाँ किसी के आने का वेट करते हैं और अपने बचे हुए थोड़े से पानी और खाने को धीरे धीरे करके खाते रहते हैं। वे कई बार अपने हाथ को उस पत्थर से हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके लिए अपने हाथ को उस पत्थर से छुड़ाना बहुत मुश्किल था, जिसका वेट अराउंड 360 किलो था। कई दिनों तक पत्थर को उठाने और उसे तोड़ने के अपने एफर्ट्स के बाद एरन डिहाइड्रेटेड फील करने लगे थे और कमज़ोर भी महसूस करने लगे थे। फिर उन्होंने सिचुएशन से खुद को बाहर निकालने के लिए अपने सीधे हाथ को बीच में से काट कर अलग करने का फैसला किया। एरन ने अपने हाथ की स्किन और फ्लैश को काटना शुरू किया और फिर 4th डे उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्हें अपने हाथ को फ्री करने के लिए अपनी बोन्स को भी काटना होगा, लेकिन उनके पास ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं थे जिससे वो ये काम कर सकें। अब एरन के स्ट्रगल का 5वां दिन था और अब उनके पास जो पानी और कुछ खाने की चीज़ें थी वो भी खत्म होने लगी थी और इसके बाद सर्वाइव करने के लिए उन्हें अपना यूरिन भी पीना पड़ा। जब उन्हें लगने लगा कि अब उनका सिचुएशन से बच पाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, तो उन्होंने अपना नाम, बर्थ प्लेस और मरने की एस्टिमेटेड डेट को दीवार पर लिखा और फिर अपनी फैमिली के लिए अपना लास्ट मैसेज का एक वीडियो रिकॉर्ड किया। उन्हें पक्का यकीन था कि ये रात उनकी ज़िंदगी की आखिरी रात होने वाली है, लेकिन खुद को थोड़ा वार्म रखने की कोशिश करते हुए उन्हें एक इल्यूजन सा होने लगा और उन्होंने खुद को अपने बिना सीधे हाथ के एक बच्चे के साथ खेलते हुए देखा। इससे उन्हें ऐसा लगने लगा कि वो इस रात सर्वाइव कर पाएंगे। अगली सुबह उठने के बाद उन्होंने देखा कि उनका हाथ गलना शुरू हो गया है, क्योंकि उनका हाथ उस पत्थर के बीच में फंसे होने की वजह से वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन रुक चुका था और वो फिर अपने हाथ को वहाँ से काटने के लिए कोशिश करने लगे। एरन ने बाद में बताया कि उन्होंने अपने हाथ पर फोर्स लगाकर वहाँ की बोन्स को तोड़ दिया और फिर अपने मल्टी टूल के 2 इंच वाले चाकू का यूज़ करके अपने हाथ के आगे वाले हिस्से को काट दिया। इस वजह से उन्हें तकरीबन 1 घंटे तक काफ़ी दर्द सहना पड़ा और इसी दौरान अपनी मेन आर्टरीज को खुला रखते हुए उन्होंने कैमल बैक ट्यूब को एक टॉर्निकेट की तरह इस्तेमाल किया। टॉर्निकेट एक तरह की बेल्ट होती है जिसे डॉक्टर्स किसी भी बॉडी पार्ट का ब्लड फ्लो रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब एरन खुद को सिचुएशन से फ्री कर चुके थे और 65 फीट की एक सीधी खड़ी दीवार से नीचे उतरकर अपने एक हाथ के साथ उस घाटी से बाहर निकल चुके थे। अभी वो अपनी कार से 13 किलोमीटर दूर थे और उनके पास कोई फ़ोन भी नहीं था जिससे वो किसी को इन्फॉर्म कर सकें। लगभग 10 किलोमीटर तक लगातार चलने के बाद उन्हें एक फैमिली मिलती है जो नीदरलैंड से वहाँ वैकेशन पर आए हुए थे।
उन्होंने एरन को कुछ खाना और पानी दिया और फिर तुरंत ही रेस्क्यू टीम्स को इन्फॉर्म कर दिया ताकि उन्हें जल्दी ही वहां से हॉस्पिटल ले जाया जा सके। एरन को इस बात का डर था कि वे कभी भी मर सकते थे क्योंकि उनके इस स्ट्रगल के दौरान उनका 18 किलो तक वेट कम हो गया था जिसमें उनका काफी ब्लड लॉस भी हुआ था। हाथ कटने के करीबन 4 घंटे बाद रेस्क्यू टीम्स के द्वारा एक हेलीकॉप्टर की मदद से उन्हें बचा लिया गया। एरन ने बाद में बताया कि अगर उन्होंने अपना हाथ जल्दी ही काट दिया होता तो इससे पहले कि कोई रेस्क्यू टीम या कोई और वहां आकर उन्हें बचा पाता उनकी मौत हो चुकी होती। अदरवाइज कुछ दिनों में ही उनकी भूख और प्यास से मौत पक्का थी। पार्क अथॉरिटीज ने उस पत्थर के नीचे से एरन का कटा हुआ हाथ रिकवर किया। एक टीवी प्रेजेंटर के अकॉर्डिंग एरन के फंसे हुए हाथ को बाहर निकालने के लिए उस पत्थर को हटाने में 13 लोगों और एक हाइड्रोलिक लीवर की जरूरत पड़ी। बाद में उसके हाथ का अंतिम संस्कार कर दिया गया और एरन को उसकी राख दे दी गई। करीब 6 महीने बाद अपने 28वें बर्थडे पर एरन अपने स्ट्रगल के बारे में एक विशेष फिल्म बनाने के लिए एक कैमरा क्रू के साथ उसी जगह पर वापस आए और अपने हाथ की अंतिम संस्कार की हुई राख को वहां बिखेर दिया, ये कहते हुए कि ये यहीं से रिलेट करती है। बाद में साल 2004 में एरन ने अपने इस स्ट्रगल को शेयर करते हुए एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस और जिसके बाद उनकी सर्वाइवल स्टोरी काफी पॉपुलर भी हो गई थी। साल 2010 में उनके इस स्ट्रगल स्टोरी के ऊपर डायरेक्टर डैनी बॉयल के द्वारा एक फिल्म भी रिलीज की गई थी जिसका नाम है 127 आवर्स। एरन की जिंदा रहने की रियल सर्वाइवल स्टोरी हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन विल को दर्शाती है। उन्होंने उतार की पहाड़ियों में खुद को जिंदा रखने के लिए बहुत ही मुश्किल फिजिकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को फेस किया और उनका एक शांत तरीके से सोल्यूशन भी निकाला और अल्टीमेटली दुनिया भर के कई लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन भी बन गए। हालांकि इस तरह के डरावने एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता। एरन की स्टोरी से हम ये समझ सकते हैं कि चैलेंजेस चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, अगर आप किसी भी सिचुएशन में हिम्मत ना हारें और खुद पर विश्वास रखकर सही डिसीजन लें तो आप किसी भी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करें। इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और हमारे चैनल सात्विक कॉन्शियसनेस को जरूर सब्सक्राइब करें।